अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। ऑनलाइन से मैंने दो पैकेजेस मंगवाई थी अलीबाबा से, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। दोनों स्टैंड है, एक है जो टेबल स्टैंड होता है, दूसरा है जो फ्लोर स्टैंड होता है व्लॉगिंग के लिए या फिर फ़ोटो या वीडियो शूट करने के लिए। सबसे जो पहली पैकेजिंग है वो है स्टैंड टेबल के लिए। इसमें जो रिंग लाइट है एक, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, बाहर से कि टूट ना जाए, क्योंकि रिंग लाइट बहुत यानी नाजुक होती है। रिंग लाइट का साइज ना ज्यादा छोटा है और ना ही ज्यादा बड़ा है, दरमियानी साइज का है कि आप जब एंगल यूज करते हो, जो चेंज करते रहते हो कुकिंग के दरमियान, क्योंकि ये टेबल स्टैंड है इस वजह से ये आप मूवमेंट करते रहते हो, तो रिंग लाइट का जो साइज है बहुत ही दरमियानी साइज का है, अच्छा है। और जो खुद आर्म है वो फोल्डेबल है और किसी भी सरफेस के ऊपर आप अटैच कर सकते हो। जो इसके छोटे छोटे पार्ट्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा चीप मेड नहीं है, यानी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोहे की भी और जो प्लास्टिक की बनी है वो भी। दो तीन पार्ट्स थे, एक था जो फ़ोन होल्डर था, एक था जो रिंग लाइट होल्डर था जो स्टैंड के ऊपर लगता है, और एक वो था जो टेबल के ऊपर आप जब स्टैंड को लगाते हो। तीन पार्ट्स थे और तीनों ही बहुत अच्छे थे। और ये जो स्टैंड आप देख सकते हो कि किस तरह टेबल पर लग सकता है, ख़ास तौर पर जब वीडियो शूट होता है कुकिंग के लिए, क्योंकि कुकिंग काउंटर के ऊपर होता है तो ये बहुत अच्छा होता है और फ्लेक्सिबल होता है। आप इसे किसी भी एंगल पर ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हो और शूट कर सकते हो, और साथ में लाइट है ये भी बहुत अच्छा है। और ये इसका जो टेबल पर लगता है ये पार्ट आपने देख लिया। स्टैंड का जो मटेरियल है वो एल्युमिनियम का है और जो दूसरे पार्ट्स है वो प्लास्टिक का है। और ये फ्लेक्सिबल स्टैंड है, आप देख सकते हो कि आप इसे किसी भी तरह मूव कर सकते हो। और इस जो पहले पार्ट छोटा वाला मैंने आपको इसका जो एक दिखाया था वो टेबल के ऊपर लगता है, और ये वाला रिंग लाइट के अंदर लगता है। जो होल्डर है, फ़ोन होल्डर है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बुरी नहीं है। ये पार्ट फ़ोन होल्डर है, फ़ोन को होल्ड करने के लिए, और रिंग लाइट के अंदर लगती है। और दूसरा वाला जब मैं खोलूँगी वो वाला है रिंग लाइट को होल्ड करने के लिए, यानी स्टैंड के ऊपर लगता है और रिंग लाइट उससे अटैच होती है, ये वाला पार्ट। दोनों अटैचमेंट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बाहर के प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है और अंदर की जो मेटल की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, जल्दी से ख़राब नहीं होती, आसानी से नहीं टूटती, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और ये टेबल वाला जो स्टैंड है इसे कहते हैं फोल्डेबल आर्म होल्डर, अगर सर्च करके देख लो तो मिल जाएगी आपको। ये दूसरा वाला पैकेज भी मैंने अलीबाबा से ही मंगवाया है, लेकिन अमेज़ोन की पैकेजिंग में आया है, क्योंकि मेरे ख़्याल में जो सेलर है दोनों साइट्स पर बेचते हैं, तो ये वाला भी उसी पैकेजिंग में भिजवा दिया है। और इसकी जो पैकेजिंग थी बहुत बड़ी है, क्योंकि जो आइटम खुद था वो इतनी बड़ी नहीं थी, और बाकी जितनी भी पैकेजिंग थी वो सारी वेस्ट थी, यानी कचरा था बेसिकली। और अंदर जो मैंने मंगवाया है वो है स्टैंड, और स्टैंड का जो ब्रांड है, ब्रांड नेम है, वो है न्यूअर का। न्यूअर सभी चाइना से ही बनता है, लेकिन इसकी जो ब्रांड है बहुत अच्छी है, यानी आपको कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। और ये इसके साथ एक बैग भी है इसके अंदर, जो केस होता है वो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको कोई जगह ले जाना पड़ जाए, यानी आपको अगर कोई ऐसी जगह कैंपिंग के लिए जाते हो, बाहर जाते हो गाड़ी में रखने के लिए, इसकी जो आउटर पैकेजिंग है, एक बैग है वो बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हो कि कौन सा ये ब्रांड है और ये किस तरह का स्टैंड है। ये ख़ास तौर पर फ्लोर पर रखने के लिए होता है और जगह बहुत ज़्यादा गिरती है ये, अगर आपको ये वाला मंगवाना होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। जो स्टैंड ज़्यादा जगह गिरते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ख़ासतौर पर जब महंगे वाले कैमरे इसके ऊपर आप लगाते हो तो आपको ये होता है कि ये सिक्योर है, हवा लगने से या फिर किसी और चीज़ के लगने से इतनी आसानी से नहीं गिरेगी। ये इसका अच्छा एक प्लस पॉइंट है। और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, फंक्शन इसके ऊपर लिखा हुआ था मैनुअल पर, यानी इसके साथ एक मैनुअल भी था कि इसमें किस तरह इसकी पार्ट्स मूव करता है, फंक्शन करता है, और आपको आसानी से समझ आ जाती है कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। ये बहुत अच्छी है। और इसकी प्राइस मोर देन 50 नहीं था, यानी $50 से नीचे आपको मिल जाता है, लेकिन क्योंकि डॉलर्स फ्लक्चुएट होता है हर दिन,
آپ کو مختلف بھی مل سکتا ہے۔ اس کی بھی میں نے ریویوز پہلے پڑھی، اس کے بعد میں نے اسے منگوایا تھا۔ اس کے ریویوز بھی 4.8 سٹارز تھا۔ آپ پہلے ریویوز دیکھ لو، پھر کوئی چیز منگوا لو۔ اور شپنگ بھی بہت فاسٹ تھی، پیکیجنگ بھی بہت اچھی تھی۔ جو پہلے والا تھا اس کی شپنگ بھی ایک ہفتے میں ہو گئی تھی، اس کی شپنگ بھی ایک ہفتے میں ہو گئی تھی، کیونکہ یہ میں نے آسٹریلیا کے اندر سے ہی منگوایا ہے۔ آپ اب جب بھی آن لائن شاپنگ کرتے ہو تو آپ پہلے اس کی جو شپنگ ایڈریس ہے، یعنی کہاں سے یہ آتا ہے، آپ پہلے وہ دیکھ لو۔ اگر آسٹریلیا کے اندر سے ہی آتا ہے، یعنی کسی اور دوسرے سٹی سے، تو یہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ چائنا سے منگواتے ہو یا پھر کسی اور جگہ سے، تو یہ بہت زیادہ لمبا یعنی پیریڈ لے گا، بہت زیادہ ٹائم لے گا آنے پر۔ اور یہ اس کے جو پارٹس ہے، آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اتنا ہی ایکسٹینڈ ہوتا ہے، اور اس کی ہائٹ جتنی بھی لکھی ہوئی ہے وہ مینول میں نے آپ ویڈیو پہ ڈال دی ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ اسکرین شاٹ کر لو اور پڑھ لو کہ اس میں ہائٹ کتنی ہے۔ لیکن ہائٹ اتنی ہے کہ آپ کاؤنٹر کے اوپر ویڈیو بنا سکتے ہو 360 میں، اوپر سے نہیں بنا سکتے، اوپر سے یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن جب سائڈ سے تو آپ کر سکتے ہو، یعنی اتنی ہائٹ ہے کہ آپ ٹیبل کے اوپر اگر کوکنگ کرتے ہو یا کچھ اور کرتے ہو تو یہ شوٹ کر لیتا ہے۔ اور پارٹس بہت ہی اسٹرانگ ہے، پلاسٹک کی بھی، ایلومینیم جو میٹل کا ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے، اتنا چیپ نہیں ہے۔ $50 میں اتنا ملنا بہت اچھا ہے۔ نیور کا کمپنی، اس کے جتنی بھی ریویوز ہے بہت اچھی ہے، اور مختلف سیلرز ہوتا ہے، آپ جس سیلر سے منگواتے ہو پہلے اس کے ریویوز چیک کر لو۔ اور یہ جو فون ہولڈر میں نے اوپر لگایا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ نہیں آیا تھا، یہ میرا اپنا ہے، یہ صرف ایک اسٹینڈ ہی آتا ہے۔ آپ پہلے چیک کر لو کہ اس میں کون کون سی پارٹس اس کے ساتھ انکلوڈیڈ ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے فنکشن ایزی تھا، ایزی ٹو یوز ہے، اور بہت ہی اچھا ہے اس کا کوالٹی۔ اور پہلے والا ٹیبل والا ہے، اور یہ والا جو فلور والا ٹرائنگل، یہ اس وجہ سے میں نے منگوایا، یہ ایریا زیادہ گرتا ہے، لیکن اس کی ایک خاصیت ہے کہ یہ پھر بہت سٹیبل ہوتا ہے، موو نہیں کرتا یا پھر ہل کے گر نہیں جائے گا، یا ہوا سے یا کسی اور چیز سے۔ اس ویڈیو کو دینے کا یہ مقصد ہے کہ اگر کوئی ولاگنگ کی چیزیں منگوانا چاہتے ہیں آن لائن، تو ان کو آئیڈیا ہو کہ کون سی کمپنی کتنی اچھی ہے اور کس طرح منگوانی چاہیے۔ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جب ایک چیز آپ پہلے خریدتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی کوالٹی کتنی اچھی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے چینل کو۔ کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ کو جو ریویو کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔